User login और sessions पर tutorial में आपका स्वागत है। यह tutorial PHP के कुछ पहलुओं को बताता है, जो ध्यान केंद्रित करेंगे कि एक HTML form को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा username और password के लिए check कैसे कर सकते हैं। Enter की हुई value database से check होगी। मैं आपको बताऊंगा कि अपने username और password के साथ database कैसे setup करें, database से कैसे जुड़ें और logout function की प्रक्रिया कैसे करें। क्योंकि हम sessions का उपयोग कर रहे हैं, उपयोगकर्ता लॉगिन ही रहेगा जब तक कि वे लॉगआउट बटन नहीं प्रेस करते। शुरुआत में मैं एक HTML फॉर्म बनाऊंगा। मैं आपको कुछ MySQL फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिनको हम सेटअप करेंगे। अपने HTML फॉर्म में हम login.php नामक पेज पर कार्य कर रहे हैं। इसको सरल करने के लिए हम अलग-अलग पेज रखेंगे। हमारी पद्धति पोस्ट होने जा रही है। चलिए अपना फॉर्म यहां समाप्त करते हैं। मैं अपना इनपुट टाइप बनाना शुरू करूंगा, जो टेक्स्ट होगा और नेम यूजर नेम होगा। एक लाइन ब्रेक यहां, इस लाइन को कॉपी पेस्ट करें और टेक्स्ट को पासवर्ड में बदलें। और पासवर्ड कहते हैं हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, उसके अनुसार ही यह स्टार या सर्कल्स के रूप में दिखाई देगा। और अंततः हम सबमिट बटन बनाएंगे और इसकी वैल्यू लॉगिन होगी। इसकी कोशिश करते हैं, रिफ्रेश करें और हमारे पास पेज यहां है, index.php यूजरनेम और पासवर्ड के साथ। मैं लॉगिन करूंगा और यह पेज पर जाता है, जो कि मौजूद नहीं है। अब चलिए इसको कुछ अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हैं और लेबल्स यहां टाइप करते हैं। रिफ्रेश करें और हम यहां हैं। अब अपनी login.php फाइल बनाते हैं। पहले मैं php my admin ओपन करूंगा। यदि आप exam का उपयोग कर रहे हैं तो php my admin के लिए लोकल होस्ट का उपयोग करके यह डिफॉल्ट रूप से संस्थापित होगा। यदि यह अभी भी संस्थापित नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं आपको गूगल पर जाकर लोकल होस्ट डायरेक्टरी पर कॉपी संस्थापित करके इसका उपयोग करने की सलाह दूंगा। अब हम नया डेटाबेस बनाएंगे। अतः यहां php login नामक नया डेटाबेस बनाएं और क्रिएट को क्लिक करें। हम देख सकते हैं यह यहां दिखाई दे रहा है और हम अब टेबल्स बना सकते हैं। यदि आप SQL से परिचित नहीं हैं तो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूं। बुनियादी संरचना है डेटाबेस, जो टेबल्स को संचित करता है, और टेबल्स रोज को संचित करते हैं और रोज वैल्यू को संचित करते हैं। यूजर्स नाम दें और ओके पर क्लिक करें। एक एरर, the number of fields। जब मैं नया डेटाबेस बनाता हूं, मैं नोटपैड या कॉन्टेक्स्ट एडिटर खोलता हूं और सभी फील्ड्स को लिखता हूं जिनका मैं उपयोग करूंगा। मैं शुरुआत के लिए आईडी, फिर यूजर नेम और अंत में पासवर्ड का उपयोग करूंगा। फिलहाल हमें यह सब चाहिए। आपके प्रोग्राम की निर्भरता अनुसार हम फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आदि भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इन तीन फील्ड्स का उपयोग इसे तीन फील्ड्स का टोटल बना रहे हैं। चलिए यहां वापस जाते हैं। अतः तीन फील्ड्स और वह पहले यह बनाएगा। अब हम फील्ड नेम्स में टाइप करके आगे बढ़ते हैं। हम आईडी टाइप करते हैं और हम इसे एक पूर्णांक बनाएंगे। यह प्राथमिक उपाय है और हम इसे ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहते हैं। अब प्रत्येक समय जब नए रिकॉर्ड बनते हैं, आईडी वैल्यूज 1 से बढ़त होगी। अतः उदाहरण स्वरूप, पहला यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी आईडी 1 होगी, दूसरा यूजर जो रजिस्टर करेगा उसकी आईडी 2 होगी, इसी क्रम से आगे। अच्छा, आगे यूजर नेम होगा और आखिरी पासवर्ड होगा। आगे हम उन्हें वार चार्ट्स के रूप में सेट करेंगे और मैं इसे 25 अक्षरों में सेट करूंगा और पासवर्ड को भी 25 अक्षरों में। यहां और कुछ नहीं है जिसे हमें इनके लिए सेट करने की आवश्यकता है। नीचे स्क्रॉल करें और सेव पर क्लिक करें। अच्छा, तो एक बार मैं यहां सेव कर देता हूं तो हम नीचे आ सकते हैं और इसे यहां देख सकते हैं और आप उनमें वैल्यू प्रविष्ट कर सकते हैं। हम इसे करेंगे क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएं, इस पर मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं।
ID की वैल्यू स्ववृद्धित होगी, अतः हम कुछ भी नहीं डालते, यह एक होगा। यूजरनेम में मैं एलेक्स लिखूंगा, मेरा पासवर्ड एबीसी होगा, हालांकि मैं आपको अच्छे पासवर्ड की सलाह दूंगा। अच्छा, तो यूजरनेम एलेक्स है और पासवर्ड एबीसी है, याद रखने के लिए आसान, यह संग्रहित किया गया है। ब्राउज करने के लिए ब्राउज टैब पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें, हमारे पास एलेक्स और एबीसी के रूप में यूजरनेम और पासवर्ड है और आईडी पहले से ही एक सेट की हुई है। अब हम login.php पेज बनाएंगे, इसे तुरंत सेव करें login.php। चलिए देखते हैं कि अपने php टैग्स कैसे बनाएं। अब मैं कुछ पोस्ट वेरिएबल्स पर विचार करूंगा। index.php में हमने पोस्ट के रूप में मेथड का उपयोग किया। हम यूजरनेम $_post सेट करेंगे और वेरिएबल को रीनेम करेंगे जो यूजरनेम है। यह यहां मिला और पासवर्ड पोस्ट वैल्यू के समान होगा और वह पासवर्ड होगा। सबसे पहले हम प्रविष्ट किए हुए यूजरनेम और पासवर्ड दोनों की जांच करेंगे। हम फॉर्म को प्रमाणित करना शुरू नहीं करेंगे, यह करना अनावश्यक है क्योंकि यूजर ने इन दोनों फील्ड्स को प्रविष्ट कर दिया है। अब मैं मेरा इफ स्टेटमेंट टाइप करूंगा, यह एक बड़ा ब्लॉक होगा क्योंकि सभी कोड जो मुझे चेक के बाद चाहिए यह यहां पर चले जाएंगे। अतः मैं यहां इफ यूजर नेम लिखूंगा, जिसका अर्थ है इफ यूजर नेम में यदि वैल्यू है यह सही होगा, और मैं पासवर्ड लिखूंगा। अतः इसको ट्रू करने के लिए और यहां कोड के इस ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए इस यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता है। हमें यहां क्या लिखना चाहिए, हमें अपने डेटाबेस से जुड़ने की आवश्यकता है। यह करने के लिए हम connect equal to mysql_connect नामक वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर पहला पैरामीटर होस्ट होगा जो कि मेरे लिए लोकल होस्ट है, दूसरा होगा यूजर नेम और मैं रूट का उपयोग करूंगा, तीसरा है पासवर्ड जो मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं है, हम उसमें चेक करेंगे। इसके बाद हम और डाई लिख सकते हैं और एक एरर मैसेज देता है, अतः उदाहरण स्वरूप हम couldn't connect लिख सकते हैं। मुझे मेरे पासवर्ड के बारे में यकीन नहीं है, मेरे ख्याल से यह कुछ और है, हम कुछ कोशिश करेंगे तो यह कहेगा couldn't connect। अब हमें अपने टेबल चुनने की आवश्यकता है, माफ कीजिए अपना डेटाबेस। हम mysql select db लिखेंगे जो अन्य बिल्ट इन फंक्शन है जब आपके पास php मॉड्यूल संस्थापित हो जाता है, यह एग्जाम्प में भी आता है। यहां मैं दोहरे उद्धरण डालूंगा और php login लिखूंगा। अतः मान लीजिए कि सब कुछ ठीक है, मैं अपना एरर मैसेज couldn't find db यहां जोड़ सकता हूं। अच्छा, पेज रिफ्रेश करें, लॉगिन पर क्लिक करें, कुछ नहीं हुआ। चलिए अपनी if स्टेटमेंट एडिट करते हैं और else लिखते हैं। echo या best फंक्शन die है। यहां यह इस पॉइंट के बाद कुछ भी निष्पादित करना बंद कर देगा और यह आपका पसंदीदा मैसेज भी पास करेगा। अतः यहां मैं लिखूंगा please enter a username and a password। इसे रिफ्रेश करें, डेटा रीसेंड करें और हमें यह एरर मैसेज मिलता है। आगे मैं एलेक्स और 123 टाइप करूंगा, माफ कीजिए एबीसी, और लॉगिन पर क्लिक करूंगा। कोई भी एरर मैसेज नहीं है, जिसका मतलब है हम डेटाबेस से जुड़ चुके हैं। यह इस भाग का अंत है। अगले में मैं बताऊंगा कि अपने डेटाबेस से कैसे जुड़ें और यूजरनेम और पासवर्ड के लिए चेक कैसे करें। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा देता हूं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।